नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टार में टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड 2018 भर्ती की, और वहाँ पे जो संशोधन की प्रक्रिया है, जिन्होंने नए फॉर्म भर दिए हैं उनका समय जा चुका है, एडिटिंग का टाइम निकल चुका है। लेकिन अभी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कॉल स्टूडेंट्स की आ रही है, इंक्वायरी के लिए कॉल आ रही है, और इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, सभी को ये ऑप्शन आ रहा है कि सर, हम जब एडिटिंग करने जा रहे हैं तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर हमें हमारा नाम चेंज करना है, हमें हमारा एड्रेस चेंज करना है, या हमें हमारे स्किल टेस्ट का जो वे है वो चेंज करना है, कि किसी ने हिंदी पढ़ दिया तो उसको इंग्लिश चाहिए या इंग्लिश वाले को हिंदी चाहिए, तो वो किस तरीके से इसको एडिटिंग कर सकता है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको क्या करना है, किस प्रक्रिया से आप अपने इस फॉर्म को एडिटिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको जयपुर में जो इसका हेड ऑफिस है आरएसएम एसएसबी बोर्ड का, वहां पर आपको पर्सनली उपस्थित होना होगा। ऑफिस टाइम पे आप यहां जा सकते हैं, दुर्गापुरा में लोकेट है, आप गूगल मैप पे लोकेशन डाल के, आरएसएम एसएसबी बोर्ड की लोकेशन डाल के वहां पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको इसमें एक अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आईडी है उसकी फोटोकॉपी आपको निकालनी है अपनी एसएसओ आईडी से, साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन को रिटर्न करना है कि आप उसमें क्या एडिटिंग कराना चाहते हैं, और उससे संबंधित दस्तावेज आपको देने हैं। जस्ट लाइक अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है, नाम चेंज कराना है, या फादर नेम चेंज कराना है, तो उसके साथ की मार्कशीट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, जो भी आप उससे संबंधित दस्तावेज आपको एक लगाना है, आपको अपनी एक एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन उसमें देनी है, और रिटर्न एप्लीकेशन की 2 फोटो कॉपी आप जरूर करा लीजिए, जिसपे आप रिटर्न एप्लीकेशन लिखेंगे, जो मैटर लिखेंगे उसकी 2 फोटो कॉपी आप रखेंगे, एक ओरिजिनल कॉपी जो डिपार्टमेंट में जमा होगी, और एक कॉपी जो आपके पास अपने पास रहेगी। तो इस तरीके से आपको ₹300 का एक पोस्टल ऑर्डर वो आपको बता देंगे, और ये पोस्टल ऑर्डर आपको घर से बना के लेके नहीं जाना है, आप जब बोर्ड जाएंगे तो बोर्ड के जस्ट पास में ही डाकघर भी उपस्थित है, तो आप वहां से बनवा सकते हैं, आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या होगा, ₹300 का एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा, एप्लीकेशन की जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप निकलवा लीजिएगा, साथ में एक एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन आपको लिख के लेके जानी है, जिसकी 2 फोटो कॉपी आपको करानी पड़ेगी। ये काम करके आप बोर्ड जाइए और बोर्ड में एडिटिंग अपने जो भी है वो करवा लीजिए, आपकी जो एप्लीकेशन है, जो रिटर्न एप्लीकेशन है, उस पर ये गवर्नमेंट अपनी मोहर लगा के, आरएसएमएसएस भी अपनी बोर्ड लगा के जो मोहर है वो लगा के आपको रिटर्न कर देंगे, जो कि आपके भविष्य में सबूत के तौर पर होगा। और आप यहाँ पर याद रखें कि जो पोस्टल ऑर्डर नंबर है उसको जरूर आप लिख कर रखें, उसकी फोटो कॉपी जरूर रखें अपने पास में, ये रेफरेंस के तौर पे भविष्य में आपके काम आ सकती है। तो इस तरीके से जिन विद्यार्थियों का को ये समस्या थी कि सर, ये जो फॉर्म है वो एडिटिंग कैसे होंगे, तो ये प्रोसीजर है फॉर्म एडिटिंग करने का, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को एडिटिंग कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया कोई अभी चालू नहीं हुई है दोस्तों, 2018 के बाद से जब ये इस फॉर्म में किसी को भी एडिटिंग करानी थी तो यही एक फॉर्मूला चल रहा था लगातार, चाहे वो अगस्त 2019 में किसी ने कराया हो, चाहे फरवरी 2020 में कराया हो, अगर किसी को भी एडिटिंग कराना था तो यही प्रोसीजर बोर्ड की तरफ से चल रहा था। तो इसी तरीके से आप अपने जो भी एडिटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो बताए गए तरीके से आप आरएसएम एसएसबी बोर्ड 2018 में अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया था, तो फिर आप इस तरीके से इस फॉर्म को एडिटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।